Hello, good morning students of class 7. This is chapter number 20, mensuration. Students, now we discuss the exercise 20C. Area of triangles. Okay, students. ऑलरेडी हम लोगों ने रेक्टेंगल स्क्वायर के एरिया के बारे में पढ़ लिया था और एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. दिस टाइम वी हैव टू लर्न अबाउट द टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. ओके स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट द व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is half into base into height. Okay, friend. इसी के आधार पे आपका मोस्टली क्वेश्चंस बनेगा. जैसे लाइक एक ट्रायंगल दिया हुआ है स्टूडेंट. ओके, ये एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है. तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो स्टूडेंट, बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा? तो बेस ये दिया हुआ है. अब सीधी सी बात जानिए कि कभी किसी भी वर्टेक्स से, व्हेन, जब भी किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर सामने वाले साइड पर जब दिया गया जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं. लाइक मान लीजिए ए से हम बी सी बटा देते हैं, ये इसके हो सकता है, हाइट हो सकता है. तो अगर ये हाइट होगा तो बेस ये होगा. ओके, अगर मान लीजिए कि हम इस बी वर्टेक्स से दे रहे हैं तो ए सी पे जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है बी, अगर हम इसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, एसी. मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन जिस लाइन पे स्टैंड कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर लाइन हाइट हो जाएगा और जिस लाइन को स्टैंड कर रहा है वो बेस हो जाएगा. अगर हम सी से डाल रहे हैं तो वो सी से कुछ इस तरह से जाएगा और सी एन एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा ट्रायंगल का. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आइसोसेलस ट्रायंगल के एक इंडिविजुअल फॉर्मूलाज दिए गए हैं जिस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला आप बुक से देख सकते हैं. खैर, आपको उस फॉर्मूला का शायद उतना इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी फॉर्मूले से सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं. साथ ही साथ स्टूडेंट, एक और फॉर्मूला आपको पढ़ना है जिसे हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हीरोन्स फॉर्मूला. इस फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि जब कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके अंदर उसका हाइट नहीं दिया गया हो, क्या नहीं दिया गया हो स्टूडेंट, उसका हाइट नहीं दिया गया हो लेकिन उसके सभी साइड्स दे दिए गए हैं. क्या दे दिए गए हैं स्टूडेंट? सभी साइड्स दे दिए गए हैं. जैसे इसका मैंने तीनों साइड्स का मेजरमेंट दे दिया, 13, 14 और 15. तो ये स्केलेन ट्रायंगल है जिसमें तीनों ही साइड गिवन है लेकिन इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, इस कारण से इसका एरिया नहीं निकल पा रहा है. तो ऐसे जगह पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं. और हीरोन्स फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखिए. यहाँ पे सबसे पहले तो हम एस निकालते हैं. एस इस वक्त होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. अब आप सोच रहे हैं ये एस क्या होता है, तो याद रखिए स्टूडेंट, एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. और यहाँ ए बी सी याद रखिएगा, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ये जो 13 जो था उसको हमने ए मान लिया, जो 14 था उसको हम लोगों ने बी मान लिया और 15 था उसको हम लोगों ने सी मान लिया. तो याद सब याद रखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. जब ये सेमी पेरीमीटर निकल जाए उसके बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या इंप्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं. और एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फॉर्मूला हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
into S minus C. बात समझ आ गई होगी, S मतलब सेमी पेरिमीटर, सेमी पेरिमीटर में से पहले साइड को मल्टीपल माइनस कर देंगे, मल्टीपल सेकंड साइड को माइनस कर देंगे, मल्टीपल थर्ड साइड को माइनस कर देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा जिस ट्रायंगल का हाइट भी नहीं दिया गया है. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट लेट्स प्रोसीड फॉर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ओके, तो यहां पर दो एग्जांपल्स हमारे पास दिए गए हैं और देखिए इस दो एग्जांपल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है फाइंड द अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड याद करिएगा, अल्टीट्यूड जो होता है इसे ही हम हाइट बोलते हैं. स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, अल्टीट्यूड को ही हम हाइट बोलते हैं. तो फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड एरिया 120 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी ये वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2. तो देखेंगे स्टूडेंट यहां पे सॉल्यूशन वन, तो यहां पर हमने हमारा क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर. ओके, हमें क्या निकालना है, इसका अल्टीट्यूड निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें हम जानते हैं, We know that area of a triangle. What is area of triangle? Given area of triangle is 120 centimeter square. And what is the formula of a triangle? Area of a triangle, that is half into base into height. So half into base into height is equals to 120 centimeter square. Already given 120 centimeter is the area of a triangle already mentioned in this question. So right, what is the formula of the area of the triangle? Half into base into height. Now half into what is the base, 15 centimeter, and what is the height? I don't know, we don't know what is the height, so 120. And after that we cancel, so h is equal to 8 into 2, that is 16 centimeter. So height of the triangle is 16 सेंटीमीटर. तो बहुत सिंपली हम लोगों ने देखा यहाँ पे कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और हमारा बेस दिया गया था, और इसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया, इस ट्रायंगल का हाइट कंफर्म कर दिया. ओके स्टूडेंट, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है. जब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो मैंने आप लोगों को सिर्फ दो फॉर्मूला बोला था, एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, या फिर लिनोस फॉर्मूला जहां पर तीनों किसी भी स्केलेन ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए गए हों, हाइट नहीं दिया हुआ तो कैसे एरिया निकालते हैं. और मैंने आपसे कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है उससे ज्यादा जरूरत नहीं है रटने की, याद करने की, वो बहुत इजी हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को हम लोग बना लेंगे ना, और बहुत आसानी से. देखिए आपको स्कूल के फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी बुक के फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बना लेंगे इस क्वेश्चन को. तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल बनाते हैं, तो आइसोसेलस ट्रायंगल हमारा ये रहा. आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या होता है स्टूडेंट, उसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? ओके, अब थोड़ा ज्यादा इसमें ट्रायंगल हैविंग बेस 8 सेंटीमीटर. अगर मान लीजिए इसे हम इसका बेस मान लें, तो ये क्या है इसका, ये क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका बेस. नाउ सिंस एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइज इज 5 सेंटीमीटर, और इसके दोनों जो इक्वल साइज हैं वो कितने दिए गए हैं, 5 सेंटीमीटर. तो इक्वल साइज है 5 5, में ये तीसरा साइड जो है वही बेस कहलाएगा, और वो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर. मतलब इसी बेस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाएगा. तो याद रखिएगा स्टूडेंट एक बात आप नोट कर लेंगे, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल, किसी भी आइसोसेलस ट्रायंगल में जब हम जो इक्वल साइड्स होते हैं, याद रखिएगा जो दो इक्वल साइड होते हैं वो दोनों इक्वल एंगल भी बनाते हैं. क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं. जो दोनों इक्वल साइड्स होते हैं वो दोनों ही अपने वर्टेक्स को क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं. और जो तीसरा वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स से अगर कोई भी लाइन हम परपेंडिकुलरली सामने वाले लाइन पर
खींचते हैं, कोई भी लाइन परपेंडिकुलरली खींचते हैं, तो वो क्या करता है, बेस को टू इक्वल हाफ में बांट देता है। क्या करता है, टू इक्वल हाफ में बांट देता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर हो जाएगा बीएम इज इक्वल टू सीएम, बीएम इक्वल टू सीएम व्हेन व्हेन ए एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी देयरफॉर BM is equal to CM. Any problem student? और दोनों ही कितने कितने हो जाएंगे, तो ये भी चार और ये भी चार, मतलब दोनों ही क्या हो गए, फोर फोर हो गए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल AMC, AMC में आते हैं स्टूडेंट, जब हम AMC में आएंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि इस M पे 93 का एंगल बना है। क्या बना हुआ है स्टूडेंट, 93 का एंगल बना हुआ है। तो यहां लिख देंगे ट्रायंगल AMC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या सर, ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट, ये कैसा एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 93 के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेनस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर पी क्या दिया हुआ है नहीं पता हमें, तो यहां लिखेंगे ए एम का स्क्वायर दैट इज ए सी का स्क्वायर, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस यही है ए सी, और बी क्या है एम सी का स्क्वायर दैट इज ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस एम सी का वैल्यू कितना आया है 4 का स्क्वायर, so 24 5 minus 16 that is 9, so am square is equals to 9, so student am is equals to root under 9 is equals to 3, therefore am is equals to 3। अब student am अगर 3 आ गया है तो am क्या था हमारा, यही तो हमारा height था, यही तो हमारा क्या था height था, इस ट्रायंगल के लिए भी चाहे इस ट्रायंगल के लिए दोनों के लिए हाइट कितना ही था। सो अल्टीट्यूड लिखिए या फिर हाइट लिखिए, तो अल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ चुका है। अब नाउ स्टूडेंट्स वी फाइंड द, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ इनटू बेस कितना था स्टूडेंट्स 8 दिया था। अब इस ट्रायंगल में जब हम आ जाएंगे तो इसका बेस कितना था, यहां पर हम लोग मैंने मेंशन कर दिया एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो बेस इसका 8 था, और अभी हाइट हमने जस्ट फाइंड आउट किया है पाइथागोरस थ्योरम से। यहां ध्यान रखिएगा, यहां बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये निकाला है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाइट कितना आया, अभी जस्ट हाइट हमारा आया था 3 आया था स्टूडेंट, ऑफकोर्स 3 आया था, सो 3। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बस दो फॉर्मूला बोला है पढ़ने के लिए, जो भी है एक आपका मेन, जो मेन फॉर्मूला है आपको बेसिक टू हाइट ट्रायंगल का एरिया का, और एक हीरोस फॉर्मूला, उस दोनों फॉर्मूलाज के बेस पे आप सारा का सारा चैप्टर बना सकते हैं। हाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वो बतानी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको जो भी वो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में वो बता दूं आप लोगों को, और आप ये चैप्टर बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स आज का जो आपका होमवर्क होगा दैट इज आप 20C के एग्जाम्पल्स, 20C के एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे, एक्सरसाइज 20C एग्जाम्पल्स एंड एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट थैंक यू।